टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से अर्थक्वेक ट्रिगर हो जाता है और अगर इसकी शिद्दत ज्यादा हो तो बहुत तबाही भी हो सकती है। इसे तो आप लोग जानते हैं, ये है हमारा घर यानी प्लैनेट अर्थ। इनफैक्ट ये अर्थ का एक मॉडल है। ये ग्लोब हमें बहुत सी चीजें दिखा सकता है जैसे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और ये कि जमीन अपने एक्सिस पर स्पिन करती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो ये ग्लोब हमें कभी नहीं दिखा सकता और वो है इस जमीन का इंटीरियर। अभी मैं जमीन की सरफेस के ऊपर मौजूद हूं। ये कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, ये सब मिलकर जमीन का क्रस्ट बनाते हैं जो कि रफली 50 किलोमीटर तक थिक हो सकता है, विच सीम्स अ लॉट, बट जमीन के टोटल साइज के हिसाब से ये इतना ही बारीक है जितना सेब के मुकाबले में उसका छिलका होता है। इसीलिए तो इसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। दिस अर्थ क्रस्ट इज नॉट अ सिंगल सॉलिड कंटिन्यूस लैंड। इनफैक्ट ये बहुत से टुकड़ों या प्लेट्स में डिवाइडेड है। इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रॉक्स सॉलिड फॉर्म की बजाय पार्शली मोल्टन फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस पार्शली मोल्टन लेयर को हम मेंटल कहते हैं। आइए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को समझते हैं इन बिस्किट्स और इस शेविंग फोम की मदद से। मेंटल में क्योंकि रॉक्स पार्शली मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो इट इज मोर लाइक अ विस्कस लिक्विड। तो मेंटल को हम इस शेविंग फोम की लेयर से इमेजिन कर सकते हैं और बिस्किट के इन टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स इमेजिन कर सकते हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिरकती रहती हैं। अगरचे इनकी मूवमेंट बहुत आहिस्ता होती है मगर इतनी ताकतवर होती है कि आपस में टकराने पर ऐसी वेव्स जनरेट हो जाती हैं जिनसे क्रस्ट के ऊपर मौजूद सब चीजें शेक करने लगती हैं। आसान अल्फाज में टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से अर्थक्वेक ट्रिगर हो जाता है और अगर इसकी शिद्दत ज्यादा हो तो बहुत तबाही भी हो सकती है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि अर्थक्वेक के दौरान कौन से बिल्डिंग्स के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, टॉलर और शॉर्टर? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अर्थक्वेक के दौरान टॉलर बिल्डिंग्स के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि टॉलर स्ट्रक्चर कम स्टिफ होते हैं और इसलिए ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, जबकि शॉर्टर स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टिफ होने की वजह से कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अगर हम इसी लॉजिक को बिल्डिंग्स पर अप्लाई करें तो शॉर्टर बिल्डिंग ज्यादा स्टिफ होने की वजह से कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगी और महफूज रहेंगी, जबकि टॉलर बिल्डिंग्स कम स्टिफ होने की वजह से ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगी और गिर जाएंगी, राइट? वेल नो, इनफैक्ट 1985 में मैक्सिको में आने वाले अर्थक्वेक में इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखा गया, यानी टॉलर बिल्डिंग्स बिल्कुल सेफ रहीं जबकि इनसे कम हाइट वाली बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा तादाद में गिर गईं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमें रेजोनेंस को समझना होगा। हर ऑसिलेटिंग बॉडी एक खास फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करती है जिसे हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे टॉलर स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 8 हर्ट्ज़ है जबकि इस शॉर्टर स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज़ है। रेजोनेंस का फिनोमिनन हमें यह बताता है कि जरूरी नहीं कि टॉलर स्ट्रक्चर ही हमेशा सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें, बल्कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा यह डिपेंड करता है कि इस प्लेटफॉर्म के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी किसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को 8 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करूं तो आप देखेंगे कि टॉलर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस प्लेटफॉर्म के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, दूसरे अल्फाज में रेजोनेंस हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी प्लेटफॉर्म को 8 हर्ट्ज की बजाय 14 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करवाऊं तो आप देखेंगे ये बिल्कुल भी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा और सारी की सारी एनर्जी ये शॉर्टर स्ट्रक्चर ही अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इस दफा इसकी नेचर फ्रीक्वेंसी इस प्लेटफॉर्म के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई है। बिल्कुल इसी तरह हर बिल्डिंग भी एक खास फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करती है और इसे हम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैक्सिको में आने वाले अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी शॉर्टर बिल्डिंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही थी। यूं शॉर्ट बिल्डिंग्स रेजोनेंस की वजह से ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करके कोलैप्स कर गईं, जबकि टॉलर बिल्डिंग्स महफूज रहीं। यानी कौन सी बिल्डिंग ज्यादा डैमेज हो सकती हैं ये डिपेंड करता है अर्थक्वेक के दौरान पैदा होने वाली सिस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसीज पर। इसीलिए इंजीनियर्स किसी जगह पर बिल्डिंग बनाने से पहले जियोलॉजिस्ट और अर्थक्वेक एक्सपर्ट से मिलकर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि माजी में इस जगह पर किस फ्रीक्वेंसी की सिस्मिक वेव्स जनरेट होती रही हैं।
ताकि ऐसी हाइट की बिल्डिंग्स बनाई जा सकें जो इन फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेट ना करें और महफूज रहें, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान मजबूत बिल्डिंग्स नहीं बल्कि स्मार्ट बिल्डिंग्स सेफ रहती हैं।